सभी बड़े भैया लोगों को मेरा सादर जय जिने। आज की इस अकलक ज्ञान गोष्ठी में मेरा विषय है बाइबल पाठमाला भाग 3 के अंतर्गत पाठ नंबर 4 इंद्रिय। सर्वप्रथम अपन ये जानेंगे कि मोक्ष मार्ग में इंद्रियों को समझना आवश्यक है या नहीं। तो जिनकी परिभाषा बताते हुए कहते हैं कि जिसने मोह राग द्वेष और इंद्रियों को जीत लिया है वही जिन है, अर्थात इंद्रियों को जीतने से ही अपन जिन अर्थात जिनेंद्र भगवान बन सकते हैं। इसीलिए अपन को इंद्रियों को समझना आवश्यक नहीं, अनिवार्य है। तो इंद्रियां किसे कहते हैं? इंद्रियों को अगर अपन को उस पर जीत पानी है तो उसको समझना भी तो पड़ेगा पहले। तो क्या है इंद्रिय? जिस जो शरीर के चिन्ह आत्मा का ज्ञान कराने में निमित्त है वही इंद्रिया है। तो ये निमित्त क्या है? अभी आया ना, आत्मा का ज्ञान कराने में निमित्त है। तो निमित्त क्या है, आप में से कोई बताएगा निमित्त की परिभाषा? चलो सुशांत जी आप बताओ। जो पदार्थ स्वयं तो कार्य रूप न परिणमी परंतु कार्य की उत्पत्ति में अनुकूल होने का आरोप जिस पर आता है उसे निमित्त कहते हैं। बिल्कुल सही, बहुत सही बोला आपने। जो अभी परिभाषा बताई है मैं उसको एक उदाहरण में घटित करके बताऊंगा अच्छे से समझने के लिए। तो जैसे मिट्टी होती है वो घड़े में परिणमित हो जाती है अपने आप, लेकिन परंतु उसमें जो निमित्त होता है वो होता है कुमार, क्योंकि कुमार मटका बनाता है ना। वैसे ही ये जो आत्मा है, जो इंद्रिय है, वो आत्मा का ज्ञान कराने में निमित्त होती है। तो उसके बाद आएगा इंद्रियां होती कितनी है? इंद्रियां 5, 2 नहीं 3 नहीं, 2 और 3 को मिला के 5 होती है। 5 कौन कौन सी? स्पर्शनेन्द्रिय, रसनेन्द्रिय, ग्राणेन्द्रिय, चक्षुन्द्रिय और कर्णेन्द्रिय। तो अपन इन 5 इंद्रियों को अच्छे से समझेंगे मतलब इनकी परिभाषा जानेंगे और इनके विषय भी जानेंगे। तो सर्वप्रथम आएगा स्पर्शनेन्द्रिय। तो जिस इंद्रिय के कारण अपन को स्पर्श का ज्ञान होता है उसे स्पर्शनेन्द्रिय कहते हैं। स्पर्शनेन्द्रिय के 8 विषय होते हैं। कौन कौन से? हल्का, भारी, रूखा, चिकना और ठंडा, गरम, कड़ा, नरम। फिर उसके बाद रसनेन्द्रिय। तो जिस इंद्रिय के कारण अपन को रस का ज्ञान होता है उसे रसनेन्द्रिय कहते हैं। रसनेन्द्रिय के 5 विषय होते हैं। कौन कौन से? खट्टा, मीठा, कड़वा, कशैला और चर्बरा। ऐसे रसनेन्द्रिय के 5 विषय होते हैं। अब आएगा ग्राणेन्द्रिय। ग्राणेन्द्रिय जिस इंद्रिय के कारण अपन को गंध का ज्ञान होता है उसे ग्राणेन्द्रिय कहते हैं। ग्राणेन्द्रिय के 2 विषय होते हैं। कौन कौन से? सुगंध और दुर्गंध। उसके बाद आएगा चक्षु इंद्रिय। तो चक्षु जिस इंद्रिय के कारण अपन को वर्ण का ज्ञान होता है उसे चक्षु इंद्रिय कहते हैं। तो चक्षु इंद्रिय के 5 विषय होते हैं। 4 लाला 1 सफेद। ये 4 लाला क्या है? क्योंकि 1 सफेद तो समझ गए सफेद है, लेकिन 4 लाला क्या है? तो काला, पीला, नीला, लाला। लाला मतलब लाल, लेकिन यहाँ पे लाला है तो सबके पीछे लाला है। तो 4 लाला 1 सफेद। उसके बाद आएगा कर्णेन्द्रिय। तो
कारण अपन को शब्द और आवाज का ज्ञान होता है उसे कर्णेंद्रिय कहते हैं। कर्णेंद्रिय शब्द को अपना विषय बनाती है। उसके बाद ये अपन ने अभी पांचों इंद्रियों की परिभाषा और विषय तो समझ लिए हैं, लेकिन ये अपन ने इंद्रियों के पांचों इंद्रियों के विषय समझे हैं, लेकिन जो इंद्रिय पूरी पांचों को मिला के एक इंद्रिय होती है, इंद्रिय होती है उसको वो किसको अपना विषय बनाती है? वो इंद्रिय पुद्गल को अपना विषय बनाती है। क्यों? क्योंकि जो इंद्रिय है वो स्वयं ही तो पुद्गल में है, तो पुद्गल को ही अपना विषय बनाती है। तो इसीलिए जैसे कि अपनी आँख होती है वो पुद्गल होती है और उससे भी सब पुद्गल ही दिखाई देता है। उसके बाद इंद्रियों से उत्पन्न हुआ जो ज्ञान है वो तुच्छ है और हेय है। क्यों? क्योंकि जिस प्रकार इंद्रियों से उत्पन्न हुआ सुख आकुलतामय है और पाप बंध का कारण है, उसी प्रकार इंद्रियों से उत्पन्न हुआ ज्ञान संसार में रुलाने वाला है और भटकाने वाला है। तो ये जो इंद्रियां हैं ये तुच्छ हैं, हेय हैं और छोड़ने लायक हैं, और इन्हीं पांचों इंद्रियों पर अपन को विजय प्राप्त करना है और इनको अच्छे से समझ के विजय प्राप्त करना है। फिर उसके बाद अपन को भी जिनेंद्र भगवान की तरह मोक्ष जाना है। इसी मंगल भावना से मैं अपने छोटे से वक्तव्य को विराम देता हूँ। जय जिनेंद्र।